मोदी सरकार ने केंद्र की सत्ता में अपने 8 साल पूरे कर लिए हैं। पिछले 8 सालों में दोनों ही लोकसभा चुनावों में बीजेपी को पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रचंड जीत हासिल हुई। मोदी सरकार ने अपने वादों को पूरा करने के लिए कई अहम फैसले लिए। इन फैसलों ने कभी विपक्ष की आलोचना झेली तो कभी लोगों की तारीफें हासिल की। 8 साल पूरे होने के इस खास मौके पर पीछे मुड़कर देखा जाए तो मोदी सरकार के कई ऐसे फैसले हैं जिन्हें ऐतिहासिक माना गया। 8 नवंबर 2016 मोदी सरकार ने नोटबंदी का ऐलान किया। पीएम मोदी ने कहा पुराने नोट लीगल टेंडर नहीं होंगे। फैसले से पूरे देश में हलचल मच गई। लोगों ने बैंक के बाहर डेरा डाल लिया। कई किलोमीटर तक लाइनें लगनी शुरू हो गई। आम लोगों पर इसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिला। इस फैसले से सरकार की खूब आलोचना भी हुई। सरकार का कहना था कि इसे काले धन पर प्रहार माना जा रहा है। ये भी कहना गलत नहीं होगा कि फैसलों से देश में डिजिटल पेमेंट का चलन तेजी से शुरू हो गया था। 18 सितंबर 2016 में आतंकी भारतीय सेना के कैंप में घुसे। आतंकियों ने सोते हुए जवानों पर हमला बोल दिया। इस आतंकी हमले में 19 जवान शहीद हो गए और कई घायल हुए। अगले 10 दिनों में हमले का बदला लिया गया। भारतीय जवानों ने पीओके में घुसकर आतंकियों को निशाना बनाया और तमाम आतंकी लॉन्च पैड को तबाह कर दिया। करीब 40 से ज्यादा आतंकी इस हमले में मारे गए। इस फैसले से सरकार की जमकर तारीफ हुई। साल 2019 में पुलवामा में जवानों पर बड़ा आतंकी हमला हुआ। इस हमले में 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए। लोगों ने फिर सर्जिकल स्ट्राइक जैसे बदले की मांग की, जिसके बाद भारतीय वायुसेना ने पीओके में घुसकर बमबारी की, आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। हमले की पाकिस्तान को कानो कान खबर तक नहीं लगी और हमले में कई आतंकी मारे गए। साल 2017 में तमाम टैक्सों को हटाकर जीएसटी लागू कर दिया गया। इसे पूरे देश में एक टैक्स सिस्टम लागू हुआ। तय किया गया कि आधा जीएसटी केंद्र और आधा राज्य को दिया जाएगा। विपक्षी दलों ने कहा इससे अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचेगा। वहीं कई व्यापारी संगठनों ने भी इसके फैसले का विरोध किया। साल 2019 में मोदी सरकार ने नागरिकता कानून पारित किया। संसद से लेकर सड़कों तक खूब बवाल हुआ। विपक्षी नेताओं ने इसे भारतीय लोकतंत्र के खिलाफ बताया। मुस्लिम समुदाय ने सीएए के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। शाहीन बाग में कई महीनों तक विरोध प्रदर्शन चला और इन सब के बीच 10 जनवरी 2020 को कानून लागू किया गया, लेकिन अब तक इसके नियमों को अधिसूचित नहीं किया गया है। 5 अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 को खत्म करने का ऐलान किया गया। फैसले से पहले स्थानीय नेताओं को नजरबंद कर दिया गया। कई दिनों तक इंटरनेट सेवाएं बंद रही। इसके बाद साल 2021 में मोदी सरकार 3 कृषि कानून लेकर आई। विरोध के बीच इन्हें संसद के दोनों सदनों में पास कर दिया गया। राष्ट्रपति के मुहर के बाद कानून बना दिया गया, लेकिन इसके विरोध में देश भर के किसान संगठनों ने दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस प्रदर्शन ने किसान आंदोलन का रूप ले लिया। करीब 1 साल तक किसान आंदोलन चला। आखिरकार मोदी सरकार को कानून वापस लेने पड़े और साल 2022 में तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया गया।